बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SE2 रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने बाइमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं और उसके मैकेनिज्म के बारे में देखा था। आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री से आप ये बता सकते हैं कि रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट का कॉन्फिगरेशन कैसा होगा, यानी कि उसके अंदर एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट कैसा होगा। तो आइए जानते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SE2 रिएक्शन। According to Ingold et al., electronic distribution of 2 electron of carbon metal bond causes different stereochemistry of products. बच्चों आपको याद होगा last time बताया था इसके पहले part में कि जो SE2 reaction है is more common in organometallic compound and organometallic compounds are those compounds in which metal is directly linked to carbon. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्टली बॉन्ड बना होता है, सीधा बॉन्ड बना होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कार्बन का और एक मेटल का। तो इनगोल्ड ने यही बताया कि यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SE2 में बनने वाले प्रोडक्ट जो होंगे वो अलग अलग होंगे और उनके अलग अलग बनने का जो रीजन है वो डिपेंड करता है कार्बन मेटल के इन दो इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन पे। आगे चलते हैं। दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड रिजल्ट्स इनटू डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड एक्सटेंशन एज वेल एज पोलरिटी ऑफ इंटरमीडिएट ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट। बच्चों जब इन कार्बन मेटल के दो इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर वो इक्वल है या इक्वल नहीं है तो इससे उसके जो ऑर्बिटल का एक्सटेंशन होगा वो बदलेगा, एज वेल एज जो कार्बन मेटल बॉन्ड की जो इनके बीच में पोलरिटी होगी इंटरमीडिएट बनने के दौरान वो भी अफेक्टेड होगी, वहां पर भी उसकी कार्बन मेटल बॉन्ड की पोलरिटी पे फर्क पड़ने वाला है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके सामने दो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का ही एग्जांपल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन और मेटल के बीच में जो आप देख पा रहे थे कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके कार्बन के ऑर्बिटल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि जो कार्बन और मेटल के बीच जो बॉन्ड था इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। और जब वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा कि आप समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आधे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन और मेटल के बीच है और आधे इलेक्ट्रॉन कार्बन मेटल के बीच नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो कार्बन और मेटल के दो इलेक्ट्रॉन थे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि ऑर्बिटल के अंदर जो दो लोब दिखाई दे रही, दोनों लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही लोब में, दूसरी लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बहुत पुअर है या नेग्लिजिबल है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है और इसमें इक्वल है, बस इससे ही सब कुछ होने वाला है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो इक्वल बॉन्ड एक्सटेंशन ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, जी हाँ इनकी बात कर रहे हैं, और यहां पर आप बोल सकते हैं अनइक्वल बॉन्ड एक्सटेंशन ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ जब इक्वल बॉन्ड एक्सटेंशन होगा कार्बन मेटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का तो वहां पे हाई आयनोसिटी और पोलरिटी होगी कार्बन मेटल बॉन्ड के बीच। यहाँ पे कार्बन मेटल के बीच में जो पोलरिटी होगी वो ज्यादा होगी इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस से, तो यहाँ पर लेस पोलरिटी होगी, यानी कार्बन मेटल बॉन्ड के बीच में जो पोलरिटी या चार्ज आने वाला है वो इक्वल वाले से कम होगा। तो दो केस आपको क्लियर होगा, एक केस हो जब होता है जब कार्बन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो, और दूसरा कार्बन मेटल के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो। आपको पता है कि जो SE2 रिएक्शन है लास्ट टाइम हमने देखा था वो दो तरीके से होती है, SE2 फ्रंट और SE2 बैक। तो आइए उसी के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। SE2 बैक रिएक्शन, टू इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड और ऑर्बिटल एक्सटेंड्स इक्वली ऑन बोथ साइड टू कॉज हाई पोलरिटी और आयनोसिटी बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर स्प्रेडेड अवे मोर फ्रॉम मेटल एटम एंड गिव इनवर्टेड प्रोडक्ट।
सर क्लियर नहीं हुआ, तो आइए फिगर के साथ आपको क्लियर कराता हूँ। यहाँ पे हमने ये सबस्ट्रेट लिया हुआ है, आपको बताया था कि पहला केस ले रहे हैं कि जब कार्बन मेटल के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है कार्बन के दोनों तरफ। तो अब ये देखिए कार्बन और मेटल के बीच दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे लेकिन दो इलेक्ट्रॉन है नहीं और इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, तो इलेक्ट्रॉन कम होने से मेटल एटम पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, उसका मैग्नीट्यूड उसका एक्सटेंट जो है वो उसकी मात्रा ज़्यादा होगी और कार्बन पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। समझ पा रहे हैं कि जितने कार्बन मेटल के बीच में बॉन्ड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उतने इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो कैसा दिखाई पड़ेगा, तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों तरफ कार्बन के ऑर्बिटल में इक्वल था, तो मेटल आयन पे चार्ज ज़्यादा होगा तो बॉन्ड क्या हो गया पोलर हो गया सर, ज़्यादा पोलरिटी होगी यहाँ पे कार्बन मेटल के बीच में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने दो मेटल एटम दिखाए हुए हैं, एक मेटल एटम दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे हमने एरो बाहर की ओर बनाया हुआ है और एक पे हमने बैक साइड से बनाया हुआ है। सर ये है हमारा लिविंग इलेक्ट्रोफाइल और ये है अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो स्ट्रोंगर है इस वाले से, तो ये जो होगा ये हमारा अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा और अपकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लिविंग इलेक्ट्रोफाइल से, वो लिविंग इलेक्ट्रोफाइल के बैक साइड से अटैक कर रहा है। क्या ये आपको क्लियर है, तो ये हुआ हमारा SE2 बैक रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल की बैक साइड से दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है अटैक कर रहा है और बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना दोनों एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पे ये रिएक्शन जो है इन्वर्जन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। कैसे, देखिए जब ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ये मेटल यहाँ से आउट हो जाएगा तो इस कार्बन और इस मेटल के बीच नया बॉन्ड बनेगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा स्टार्टिंग था, ये हमारा प्रोडक्ट है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, दोनों का यहाँ पे एटम ये ग्रुप का अरेंजमेंट देखिए, बिल्कुल सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टा हो गया है, इट इज़ नोन एज इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो वो क्लियर है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ SE2 बैक का। लास्ट टाइम बताया भी था आपको, याद होगा कि SE2 बैक से हमेशा बनता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इन SE2 फ्रंट रिएक्शन बॉन्ड एक्सटेंशन ऑफ कार्बन मेटल और बाइटल इज लेसर एंड मोर इन वन साइड, इट रिजल्ट्स इन टू लेसर आयोनिसिटी और पोलरिटी बिकॉज टू इलेक्ट्रॉन आर comparatively more closer to metal and gives retained product। सर यहाँ पर SE2 फ्रंट रिएक्शन जब होगा ये तब होता है जब कार्बन मेटल के बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं और कार्बन मेटल के दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ना शिफ्टेड रहते हैं मेटल की तरफ, यानी कार्बन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और कार्बन की दूसरी तरफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। हम लोग एक एग्जांपल से आपको क्लियर कराते हैं, तो ये देखिए हमारा सबस्ट्रेट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ कार्बन मेटल दिखाया हुआ है, इसके दो इलेक्ट्रॉनों का इस बार डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा एक्सटेंशन जो होगा ऑर्बिटल में वो इक्वल नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ इस लोब में इलेक्ट्रॉन पुअरली अवेलेबल है, स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो यहाँ पे कार्बन और मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ये कार्बन के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा वो SE2 बैक रिएक्शन जो ऊपर आया था यहाँ पे चार्ज, जी हाँ ये इस वाले चार्ज से कम होगा इस वाले SE2 फ्रंट रिएक्शन वाले एग्जांपल में। आपको क्लियर है, तो यहाँ पे पोलरिटी या चार्ज कम होगा। पोलरिटी या चार्ज कम क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेट हैं, ज़्यादा शिफ्टेड हैं, ज़्यादा अरेंज हैं, ज़्यादा अवेलेबल हैं कार्बन मेटल के बीच ऑर्बिटल में। अब जो दूसरा अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारा अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, एरो से आपको क्लियर हो रहा होगा, तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको भी जो पहले से प्रेजेंट लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप जो है उसके फ्रंट साइड उसके सामने से ही आना पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं पर अवेलेबल है, बैक साइड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो SE2 फ्रंट में
अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल लिविंग ग्रुप के सामने से ही आता है और रिपल्सन लास्ट टाइम आपको बताए थे इसलिए नहीं हो पाता है कि इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होगा और लिविंग ग्रुप के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो इस साइड से बाहर निकला और दूसरी सामने वाली साइड से ही जगह बना के हमारा अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आके बॉन्डिंग करेगा। दिस रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ रिटेंशन। और प्रोडक्ट को देखिए, यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इस सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में अरेंजमेंट में कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं है। सो इट इज सिंपली नोन एज रिटेन्ड प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ रिटेंशन। तो बच्चों, ये थी हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री SE2 रिएक्शन की। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा।